सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि सब आप ठीक होंगे। सो फ्रेंड, आज हम आए हैं बहुत ही सुंदर सिटी विजयवाड़ा में। सो फ्रेंड, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम से 345 किलोमीटर दूर है। और अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद से विजयवाड़ा 275 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सो फ्रेंड, अभी हम विजयवाड़ा में पहुँच गए हैं और जी हम प्रकाशम ब्राज के ऊपर हैं। और फ्रेंड, कृष्णा ब्राज को प्रकाशम ब्राज भी बोला जाता है और यह ब्राज कम से कम 150 साल पुराना है। सो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं उंडावली केव्स। सो फ्रेंड, मैंने सुना है वो 1500-1600 साल पुराना केव्स है जो पहाड़ी को काट के बनाया गया है। सो फ्रेंड, हमने सोचा कि पहले हम सबसे पहले वहीं पर जाते हैं और वहीं से अपना टूर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, उंडावली केव्स विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर और बस स्टैंड से 6.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सो फ्रेंड, जहाँ पे केलों की खेती की जाती है, जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, देखने में शहर बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं उंडावली केव्स, ये सामने रहा केव्स। सो फ्रेंड, जहाँ पे कार पार्किंग फ्री है, हमने साइड पे लगाई गाड़ी और चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो जहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 25 है पर पर्सन। सो फ्रेंड, हमने ले टिकट और चलते हैं आगे। सो फ्रेंड, ये जो इंडावली केव्स है, ये 1600-1700 साल पुराने केव्स है जो पहाड़ी को काट के बनाए गए हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो इसको 4 फ्लोर में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग टाइम से जब का मैं विजयवाड़ा आया हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा है। सो चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर है। सो फ्रेंड, इसको पहाड़ी को काट के ये सब चीज़ें बनाई गई है। सो आप देख सकते हो। ओ माय गॉड फ्रेंड, ये सब आप जो सामने देख रहे हो, ये चमचिड़क है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। सो जहाँ से आगे चलते हैं। तो सामने सीढ़ियों से अभी चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे। सो फ्रेंड, जहाँ पे आपको जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर मंदिर है। सो फ्रेंड, हम चलते हैं आगे। ये है सेकंड फ्लोर, लेकिन हम चले गए थर्ड फ्लोर पे सीधा। सेकंड फ्लोर बाद में देखते हैं क्या है वहां पे। सो फ्रेंड, ये सामने मूर्तियां बनी हुई हैं। फ्रेंड, जहां पे ज्यादातर हमें विष्णु की मूर्तियां मिलेंगी उनके अलग अलग अवतार में। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो ये 1500-1700 साल पहले की केव्स है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि जहाँ पे श्री पद्मनाभ स्वामी लेटी हुई मुद्रा में हम उनके दर्शन कर रहे हैं।
जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। सामने जे शेषनाग, जहाँ ब्रह्मा जी के साथ और देवी देवतियों की मूर्ति है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। थर्ड फ्लोर पे जो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हम नहीं जानते लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और आप देख सकते हो कि 1500 साल पहले 1600 साल पहले ये कारागिरी की गई है और कितना सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है। देखिए सामने भगवान गणेश की कितनी अच्छी मूर्ति है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है। सो फ्रेंड, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों पे एक प्रॉब्लम रहती है कि जहाँ पे कोई टूर गाइड नहीं रहता, अगर कोई टूर गाइड होता तो आधे पौने घंटे में मूर्ति बाई मूर्ति अगर वो गाइड करता तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम किसी और से उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरा क्या रहता है, हम वापस आने की भी इच्छा रखते हैं कि वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब समझ आएगा तब भी वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ जहाँ पर लोग आते हैं, चार फोटो करवाते हैं और वापस चले जाते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ जी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं विजयवाड़ा की किसी और टूरिस्ट प्लेस पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।